घर में तो फिर उसकी प्रिया आओ मेरी बच्ची आओ तेरी पैना मम्मा जी सीरा दुनिया भर की खुशियां दे दी हमें नहीं नहीं बेटा झुकना नहीं जीती रहो ठहरो मैं तुम्हारी नजर उतार दूं ओ दादाजी कैसी हो बेटा कैसे आप पप्पू हाय मामा जी कैसी हो प्रिया बेटी मैंने कहा था ना भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी है ना क्या मामा आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज पहले बता देते सुनने वाले को एयरपोर्ट लेने जाते अरे मैं तो कब से लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों से परेशान नहीं करना मना कर परेशानी की क्या बात है हम तो सरप्राइज देने आए हैं क्या हुआ ये मेरी दोस्त की बीवी है मधु इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं इसके घर में कोई नहीं है इसलिए हमारे साथ रहती है अच्छा ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए आओ इधर आओ आओ ना पैरी पहना खुश रहो जीती रहो मैं प्रिया की सास हूँ मुझे मालूम है प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है आप मामी जी हो आप मामा जी और आप पप्पू भैया और आप दादाजी पैरी पहना अरे झुकना नहीं जीती रहो बेटा जीती रहो और आप पापा जी दादाजी आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे अरे क्यों नहीं बेटा जीती रहो खुश रहो सदा सुहागन रहो ठंड की बात नहीं है मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं ताकि वहां के लोगों में वो गोरा दिखाई दे दादाजी बिस्किट थैंक यू मधु बेटा तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हाँ दादाजी इसलिए कभी यूके ऑस्ट्रिया इंडोनेशिया हमेशा भारी रहता है अच्छा 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 भाई कुछ भी हो बिजनेस तो चलता ही रहता है लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए कोई बात नहीं बहू जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे माता पुनी बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजे शिशु लीला ति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती माँ सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है तुम जरा महसूस करके देखना कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहदा धाई दा अरे मधु बेटी तुम वहां क्यों खड़ी हो इधर आके बैठो आओ आओ बैठो हाँ तो सुनो भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय माँ को होती है उससे दुगनी पिता को होती है तू क्या सोच रही है बेटी यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा काम कोटी छवि साम शरीर प्रिया प्रिया बेटी जी माँ बेटी वो सौंठ के लड्डू है याद है मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए ले खाली शाबाश आ मधु बैठ माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा खा
तीखा है ना? लास्ट जब मैं एक्सपेक्ट करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठा कर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी कहना नहीं, मैंने लड्डू खिलाए थे। मधु जी। माँ जी। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए रो पड़ी। चल तो मेरे साथ, चल बैठ आराम से, आराम से। मधु बेटी, ये है ना, ये सौंठ के लड्डू हैं, इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है। चल खा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं, बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा, वरना तू रख देगी। नहीं नहीं माँ जी, तीखा होता है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुखुल। नहीं माँ जी, माँ जी, मैं शाबाश शाबाश बच्ची मेरी, मुखुल 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 मुखुल, शाबाश शाबाश, ठीक है ना, शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है, लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंसी जी, माँ जी। वो 7 बूटी वाला तेल तो लाना। अभी ना। बस रख दो जी। ला बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा, जिसे जुबान से बेटी कह दिया उसे मन से बेटी मान भी लिया। तू मेरी बेटी है ना। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरा कोई नहीं है माँ जी। इंडिया में तो होगा ना? दुनिया में नहीं है। आज के बाद फिर कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है। नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, एक मिनट दादाजी। हाँ बेटा। पंडित जी का फोन है दिल्ली से। हेलो। हाँ पंडित जी नमस्कार। किसका फोन? हाँ क्या बोल रहे? पता। ठीक है ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। हाँ अच्छा, किसकी तैयारी दादाजी? राज, पंडित जी ने प्रिया की गोद भराई की रस्म के लिए 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अरे मुबारक हो। हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अच्छा राज, हम इंडिया कैसे वापस जा सकते हैं? मधु भी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना। क्योंकि प्रिया की गोद भराई की रस्म 18 तारीख की फिक्स हो गई है। वाह। तुम राज के साथ ऑफिस चले जाओ और फॉरेन बोर्ड की मीटिंग बुलाकर सबको समझा। जी बाबू। दादाजी ऐसा नहीं हो सकता क्या, पंडित जी को यहीं पे बुला लें और यहीं पे गोद भराई की रस्म कर लें? क्यों? क्योंकि प्रिया की डिलीवरी की डेट इसी महीने और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। अरे फैसिलिटी क्या बात कर रहे हो, एक फोन मार के सारी फैसिलिटीज मैं दिल्ली ट्रांसफर करा दूंगा। यहाँ के फैसिलिटी मिनिस्टर का नंबर क्या है? अरे यहाँ पर मिनिस्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बिहार है। राज बेटा, सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। और गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हो, रिश्तेदार हो। यू राइट माँ, हम सब इंडिया चलते हैं। मधु, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी की डेट और प्रिया की डिलीवरी की डेट एक ही दिन पे। लेकिन हम सब इंडिया जा रहे हैं गोद भराई की रस्म के लिए और मैं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स वगैरह मैं सब कर दूंगा और जब भी तुम्हें लेबर पेन हो तुम खुद चले जाना, इतना मैनेज कर लेना प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली कैसे जाएगी अस्पताल? दादाजी इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं ना, कौन है इसके साथ? और ये इंडिया भी तो नहीं चल सकती हमारे साथ। क्यों नहीं चल सकती? तुमने इसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि नहीं? जी किया तो था। सब लोग सुन लो, ये मेरा फैसला है कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाएगी। क्यों बेटा, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? वो मेरे पापा और वो मेरे भैया भाभी।
ये लोग क्या लेके आए हैं? शगुन, गोद भराई की रस्म में होने वाली माँ महके के ही कपड़े पहनती है। अरे वाह, ये रस्म इतनी बड़ी होती है? पप्पू जरा बात सुन, वो पंडित जी चावल मांग रहे, जरा इंतजाम कर दे। फोटो मिनिस्टर को फोन करो, कितनी बोरियां चाहिए आपको बताइए। ओहो हे भगवान, दो मुट्ठी चावल के लिए तो मिनिस्ट्री में फोन करेगा? किचन से ला, किचन से ला। ओके आइए आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने भाटिया अंकल को कहीं देखा है? देखा तो नहीं, क्यों क्या बात है? क्या आप मेरी नकल उतार रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरे बचपन की आदत है। आपकी माँ फतेहपुर के लाल बंगले में आया जाया तो नहीं करती थी ना? फतेहपुर के लाल बंगले में मेरी माँ कभी नहीं गई, बापू अक्सर जाया करते थे वहाँ। बापू हमेशा कहा करते थे कि बेटा तेरी को एक बहन है। बापू रिया, तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी अब नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी, तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भरे की रस्म मैं प्रिया के साथ करूँ, लेकिन पंडित जी ने कहा कि दो गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी, आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे सुलह सिंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं तीन जन्म होते हैं। पहला जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है, और तीसरा जब वो माँ बनती है। माँ बनती है, माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज, तुम यहाँ अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। शगुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी, जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई, ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी, मैं देख के आता हूँ। मामी देखे देखा? अच्छा भाई, तुझे लिया। कौन? हाँ मैं। मतलब रेडी होगी? हाँ रेडी होगी। ओह माय गॉड, लड़कियाँ, अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं हूँ। मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। भगवान करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे।